थोड़ी रोज सूख जाएगी, थोड़ी कल सूख जाएगी, हो जाएगी। अब थोड़ी धूप निकली है तो धो लेते हैं। ये है चौलाई के लड्डू बनेंगे, उसके फूल के लड्डू बनेंगे। थोड़ी सूख जाएगा, थोड़ा बहुत सूख जाएगा, थोड़ा बहुत कल हो जाएगा। एकदम ही भिगा दिया था क्या? बोया था ना, अभी दो दिन है, अभी कल भी है। कल अगर धूप निकल गई तो कल भी सूख जाएगा, परसों भी है। तो कूलर वो क्या हेयर ड्राइव लाए तो है? हेयर ड्राइव मंगाओगी? क्या करूँ, सूख जाएगा ये। तुम देखते रहना, मैं जाऊँगा ऑफिस से, तेरा दूध आ जाएगा। ये प्लेट ये रखती हूँ। अरे थोड़ा उसको हाथ मार जाओ। मार दिया, अभी सूख जाएगा, काम हो गया, सूख जाएगा, छोड़ दो। तो ठीक है, बोल तो दिया होता उसने। दोस्तों मम्मी को पता भी नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जाओ। अब दोस्तों आपको हम उठाते हुए दिखलाएंगे ये सब। ये देखिए ये तिल है, ये चौलाई के लड्डू बनाने के लिए इतना सारा भूज लिया है मैंने। अब इसे रख देते हैं, तब तक ठंडा होगा क्योंकि अभी पका नहीं है, वो अभी पक ही रहा है। और मैं तिल भूज रही हूँ, ये तिल है भूजने जा रही है। ये भी उछल रही है? नहीं, पट्टा बांधे पहले। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, तिल पूरी भूज जाएगी तब तक दिखाएंगे। देख के दोस्तों इधर तिल का लड्डू, किस तिल का लड्डू बांधा जा रहा है। किसी को भी तिल का खाना हो कमेंट कीजिए। बाल्टी भर जाएगी? हाँ भरने वाली है, आधी हो गई है, और भी आ जाएगी। बहुत सारे दोस्तों पूरी बाल्टी भर जाएगी आज तो। कैसे सजाए सजाए रखा था पागल कहीं का। थप्पड़ मारा कभी ऐसे करके रखा इसे? हाँ ऐसे रखा इसे, सजावा टांगन बाल्टी के अंदर। मतलब इसके मारे रख रहे हो, छुड़ाएगा नहीं, ठंडा है, दो तीन दिन चलेगा। 14 तारीख को फिर जुलाई का बनाएंगे। देखिए हम तिल का लड्डू बना रहे हैं, आप लोगों को खाना है क्योंकि मेरी आवाज कम निकल रही, इसलिए मुझे अब प्यास लग गई बहुत तेज। अब क्या, अब तो एंड है, अब एंड है। अभी बस अभी बना के कपड़े वपड़े पहनेंगे। बन गया, शक्कर गंदी उबल रही है, गीले के ऊपर रखते हैं। हाँ तो रख दे, वो नहीं खराब होगा, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको दिखलाते हैं हम पूजा करते समय।